जैसलमेर वर्सेज सीकर, सेकंड हाफ स्टार्ट होता हुआ खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में। जैसा कि फर्स्ट हाफ में आपने देखा था केवल एक खिलाड़ी बचा हुआ था जैसलमेर की टीम में, और इधर पूरे 7 खिलाड़ी बचे हुए हैं सीकर की टीम में, और ये रेड डाली जा रही है जैसलमेर की तरफ से। अगर आपने पहला मैच नहीं देखा है तो अभी जाके मैच देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। देखते हैं क्या कामयाब होते हैं जैसलमेर के खिलाड़ी पॉइंट लाने में। कोशिश बरकरार है लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है और एक खिलाड़ी को यहीं पे रोक दिया और ये ऑल आउट। फिर से दूसरी बार जैसलमेर ऑल आउट हो चुकी है। रेफरी दो 3 खिलाड़ियों के बाहर कर रहे हैं, रेफरी का कहना है 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी। इस राउंड में 4 खिलाड़ी को निकाल के बाहर आए हैं सीकर के राइडर। फिलहाल जो स्कोर है वो सीकर का आगे है और ये कोशिश पानी करने के लेकिन जाल में फंस गए जैसलमेर के खिलाड़ी। और ये 2 बार ऑल आउट होने के बाद फिर से केवल 2 खिलाड़ी बचे हैं जैसलमेर की टीम में। ये 1 पॉइंट फिर से कर दिया कीपर को, लास्ट खिलाड़ी बचा है जैसलमेर की टीम में। और यहीं पर होल्ड हो गया, तीसरी बार फिर से ऑल आउट जैसलमेर। 4 पॉइंट सीकर की झोली में जाते हुए दोस्तों, सेकेंड हाफ चल रहा है। आपसे फिर से बताना चाहूँगा अगर आपने फर्स्ट हाफ अभी नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप फर्स्ट हाफ देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर फर्स्ट हाफ देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, रनिंग, सभी तरह के स्पोर्ट्स की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दावा कर रहे हैं सीकर के खिलाड़ी, हाँ ये बिल्कुल 1 पॉइंट मिलेगा सीकर को,
जैसलमेर की तरफ से बहुत अच्छी रैड, दो पॉइंट मिलेंगे जैसलमेर को। और ये फिर से एक पॉइंट सीकर, बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। बाहर निकालना चप्पल उतार दो, कोई डांटेगा चप्पल अलग नहीं होती चप्पल। खिलाड़ी को यही हवा में उठा लिया सिकर की टीम ने। खिलाड़ी फाउल, सीकर का वन पॉइंट जैसलमेर को मिलता हुआ। एम्पायर का दायित्व निभाएंगे श्रीमती सरस्वती मुंडे और श्री चंद्र प्रकाश जी सिन्हा। स्कोर होगा श्री घनश्याम जी, असिस्टेंट स्कोर होगा श्रीमती गिरिजा जी और भूमिका चौधरी, हेड रिकॉर्डर महेश जी और 30 सेकंड पर है मुकेश भूषण। सभी ऑफिसर अपने कोर्ट का चार्ज लें, धन्यवाद। सेकेंड हाफ का हाफ टाइम पूरा हुआ।
बारे भाई क्यों नहीं का बदला हुआ है सायंकालीन सत्र में चार मैच होने थे, जिनमें से पहला मैच अजमेर वर्सेज चूरू पुरुषवर्ग का हो चुका है। दूसरा मैच ये जैसलमेर वर्सेज सीकर का जारी है। तीसरा मैच इसी के बगल में अभी कंप्लीट हुआ है, झुंझुनू वर्सेज नागौर बालिका वर्ग का, जिसमें से विजेता कौन सी टीम रही ये तो वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा, मुझे खुद नहीं पता है। और ये वन पॉइंट सीकर की तरफ से, अभी चौथा मैच और होना बाकी है महिला वर्ग का। सायंकालीन सत्र के आज के चार मैच थे। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2022। पुरुष वर्ग का दूसरा मैच चल रहा है और महिला वर्ग का पहला मैच हो चुका है, अभी दूसरा मैच होना बाकी है। इसके बाद बाकी के कल प्रातःकालीन सत्र में तीन मैच और होंगे, फिर उसके बाद बाकी के मैच सायंकालीन सत्र में होंगे। ये बहुत अच्छा टैकल किया, 2 पॉइंट जैसलमेर को मिलते हुए, सुपर टैकल था। अभी तक फिलहाल जो अगर आंकड़े की बात करें तो सीकर ने अच्छे स्कोर बना रखे हैं, फिलहाल अच्छे स्कोर से आगे हैं सीकर। जैसा कि आपने अगर मैच बारीकी से देखा हो तो जैसलमेर टीम तीन बार ऑल आउट हो चुकी है, सीकर ने अच्छा दबदबा बना के रखा है जैसलमेर के ऊपर। और ये टैकल करने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। और ये 1 पॉइंट सीकर, इससे 2 खिलाड़ी बचे हैं जैसलमेर की टीम में। और दूसरे कोर्ट पर बालिका का टीम आ चुकी है, अगर मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो ये मैच रुक जाएगा, क्योंकि इस मैच के मात्र और मात्र 5 मिनट बचे हैं। और दूसरे को आप देख सकते हैं लड़की आ चुकी है, उसको पर बालिका वर्ग का सेकंड मैच होने जा रहा है। ये मैच जैसे ही समाप्त होता है मेरी अगली वीडियो उस कोर्ट पर बनेगी। और ये कोशिश सीकर को एक पॉइंट मिलता हुआ, फिर से जैसलमेर की टीम में अंतिम खिलाड़ी बचा, तीन बार ऑल आउट हो चुकी है और ये 1 पॉइंट लाने में कामयाब। 1 से 2 हो गए, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है खेलने के तरीके पर, किस तरह का मैच करके दिखाती है जैसलमेर की टीम, देखते हैं। और 1 पॉइंट सीकर को मिलता हुआ, टच करके आए खिलाड़ी, फिर से एक खिलाड़ी बचा हुआ है जैसलमेर की टीम में। और ये जैसलमेर के खिलाड़ी को बिल्कुल पूरी तरह से बाहर किया, चौथी बार फिर से ऑल आउट हुई है जैसलमेर की टीम। यहाँ पे फिर से 4 पॉइंट मिले सीकर की टीम को और 4 बार ऑल आउट कर चुकी है जैसलमेर की टीम को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंस बना हुआ है आंकड़ों में। और ये टैकल करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाबी, और 1 पॉइंट मिला सीकर। खिलाड़ी को यहीं पे
तक लगता है जैसलमेर की टीम पर पूरा दबाव बना हुआ है। और इस दबाव में लास्ट के 2-3 मिनट में अगर कुछ कर सकती है तो शायद कुछ कर जाए, वरना जैसलमेर की टीम शायद 30 मैच से बाहर हो सकती है। फिलहाल सीकर ने अच्छा स्कोर बना के रखा है। और ये भाग ये बहुत शानदार प्रदर्शन, खिलाड़ी पूरी तरह से बाहर निकल के आए हैं, अपने जोड़े को तोड़ कर बाहर निकले हैं खिलाड़ी। मैन राइडर जो मैं आपको बता रहा था सीकर के, बाहर आए खिलाड़ी को उठा के बाहर कर दिए। अंतिम 2 मिनट बचे हुए मैच के, और दूसरे कोर्ट पर वाले कवर का मैच स्टार्ट हो चुका है। 4-5 मिनट का ही मैच निकलेगा, बाकी मैच आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे जैसलमेर। इस बार भी सोचा था सीकर की टीम ने कि शायद फिर से वही 2 पॉइंट मिल जाए, लेकिन वैसा कर नहीं पाई सीकर की टीम। और जिस तरह की फॉर्म में फिलहाल जैसलमेर आ गई है, ये शुरुआत में भी आई थी, लगभग 5-6 मिनट का मैच खत्म हुआ था उस समय आई थी, लेकिन बीच में सीकर ने बहुत अच्छा दबाव बनाया। फिलहाल भी दबाव बना हुआ है और टाइम कम है, और ये कोशिश जारी है जैसलमेर की, देखते हैं क्या होता है। और फिर से 1 पॉइंट जैसलमेर की झोली। यहाँ पे समय पूरा होने वाला है, खिलाड़ी अपना समय पूरा कर रहे हैं, उनको पता है कि हम जीते हुए हैं। और यह समय की समाप्ति, और यहीं पे सीकर की टीम विजेता रही, जैसलमेर को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं महिला वर्ग के सेकंड मुकाबले में।